वेलकम बैक टू द चैनल अगर तो आप एक कैटेस्पिरेंट हो तो आपका वी का सेक्शन होता है जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन सॉल्व करना होता है एंड अगर आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत कॉमन पार्ट है किसी भी सिलेबस का आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो को बहुत आराम से अच्छे से जरूर देखना बिकॉज आई कैन एश्योर यू कि आपके मार्क्स इस सेक्शन में ज़रूर बढ़ जाएंगे मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज शेयर किए थे विद स्टूडेंट्स एंड दे डेफिनेटली सॉ एन इम्प्रूवमेंट इन देअर मार्क्स So, अगर तो आप कैट एस्पिरेंट हो पूरी वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कैटरसी सेक्शन की क्या वेटेज रही है और क्या पैटर्न रहा है कैट ट्वेंटी के पैटर्न के हिसाब से वीआरसी सेक्शन में ट्वेंटी फोर क्वेश्चन थे जिन्हें आपको फोर्टी मिनट्स के अंदर सोल्व करना था उसका फर्दर ब्रेकअप इस तरह से था सिक्सटीन क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन

फोर्टी मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी बेसिस लास्ट ईयर का पैटर्न ओवर दी आर सी की जो डिफिकल्टी रही है उसमें अगर आप फोर्टी के अराउंड स्कोर कर लेते हो देन हाईली लाइकली है कि आपकी नाइनटी नाइन परसेंट सिक्योर हो जाएगी अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको एक टेबल दिखाने वाली हूँ जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा अटेम्प्ट रेट यानी कि आप 24 टोटल क्वेश्चंस क्वेश्चंस में में से इस सेक्शन कितने परसेंट को अटेम्प्ट करके आओगे और आपको टॉप पे जो नंबर दिखाई दे रहा है दैट इज योर एक्यूरेसी रेट यानी कि जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे ये टेबल हंड्रेड एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि ना ही इसमें मैंने होल नंबर कंसिडर किए हैं और ना ही टीटा क्वेश्चन लेकिन ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देखे जाएगा कि फोर्टी मार्क्स जो कि 99 परसेंटाइल के लिए चाहिए हैं वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आएंगे अब मैंने आपके सामने हाईलाइट कर है वो सारी पॉसिबिलिटीज 40 के ऊपर आ सकते हैं इन सारी पॉसिबिलिटीज में से मेरे हिसाब से सबसे आसान है

पहला डेटा पॉइंट VRC सेक्शन में 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24 आर फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस व्हिच इज अ ह्यूज चंक सेकंड डेटा पॉइंट ये जो 16 क्वेश्चंस थे यानी कि फोर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस थे उनमें से हर साल ऑलमोस्ट तीन ही डुएबल होते हैं सो नाउ दैट यू नो कि वो जो 16 क्वेश्चंस हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के उसमें से 12 या 13 डुएबल हैं और आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं दैट इज अवज चंक ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जिसपे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एबिलिटी क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन शुड बी योर नंबर वन प्रियोरिटी वन बिकॉज उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है एंड सेकेंडली उसको क्रैक करना इज डिफिकल्टैन वर्बलबिलिटी जब मैंने कैट एग्जाम की तैयारी की थी मुझे वर्बलेबिलिटी के लिए सिर्फ एक बुक यूज करनी पड़ी मैं सिंपली प्रैक्टिस करती रही एंड वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गई बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए स्ट्रेटेजीज लगती हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू रीडिंग कॉम्प्रीशन इज क्रिटिकल अगर आप कैट में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो एंड खासतौर से वीआरसी सेक्शन में मार्क्स स्कोर करने के लिए अब हम डिस्कस करेंगे कि attempt rate और accuracy rate जो मैंने आपको टेबल में दिखाया था वो दोनों 80 परसेंट तक लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आई विल फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद योर अटेम्प्ट रेट और आपके लिए भी पर्सनली गोल ये होना चाहिए कि अगर कैट एग्जाम महीने दूर है तो आपको सबसे पहले अपने अटेम्प्ट रेट पे फोकस करना है अब अटेम्प्ट रेट का मतलब ये है कि आपके पास 40 मिनट होंगे इस सेक्शन के लिए जिसमें आपको 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उन 24 क्वेश्चंस में से आठ क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के हैं तो हम ऑलमोस्ट आठ मिनट हटा देते हैं क्यों क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे तो भी उन्हें पढ़ने में तो टाइम लगेगा सो फॉर सेफ साइड मैक्सिमम वन मिनट पर क्वेश्चन मैं एट मिनट्स हटा देती हूं आपके पास थर्टी टू मिनट्स बचेंगे जिसमें आपको चार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस करने हैं विच गिव्स यू एट मिनट्स पर पैसेज लेकिन एक्चुअल में आपके पास ऑलमोस्ट दस मिनट होंगे करने के लिए क्यों क्योंकि आप बारह तरह क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज तो ऐसा होगा जिसको देख के आपको लगेगा कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा और आप उसको पहले ही छोड़ दोगे तो उसकी वजह से अप्रॉक्सिमेटली टेन मिनट्स पर पैसेज इज वॉट यू विल हैव तो हमें जब अपना अटेम्प्ट रेट बढ़ाने के बारे में सोचना है हमारा गोल यह है कि क्या हम एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को 10 मिनट के अंदर पढ़ के सॉल्व कर पा रहे हैं अब आपको यह जानना है कि एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कैसा दिखाई देता है कैट के एग्जाम में मैंने कैट 2022 के चारों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस को एक वर्ड काउंटर में डाल के चेक किया कि कितने वर्ड्स का पैसेज आया था एंड दंबर्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू अप्रोक्सिमेटली फाइव हंड्रेड वर्ड का पैसेज आता है इन दैट एग्जाम इन फैक्ट अगर मुझे कैट एग्जाम तो to 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 so में आते हैं अब आप वो कैसे करोगे उसको डिस्कस करने से पहले लेटमी गिव अउट टू आर टूडे स्पॉन्सर्स विच इज ओसवाल बुक्स बुक्स की एक ये बुक आती है, which is called Cat 25 Year Past Papers. इस बुक के अंदर उन्होंने पिछले जितने भी कैट एग्जाम में पेपर्स आए हैं उनको सेग्रीगेट किया है सेग्रीगेट करने का मतलब जैसे मैं आपको वर्बल एबिलिटी का सेक्शन दिखाती हूँ जितने भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस कैट एग्जाम में पहले आ चुके हैं वो सारे इस बुक में इस तरह से डिवाइडेड है कि हर पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर कौन से कौन से रीडिंग कॉम्प्रशन आए थे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे देखना हो कि टेक्नोलॉजी के टॉपिक के अंडर कौन से रीडिंग पैसेजेस आ चुके हैं तो मैं इसी एक कैटेगराइजेशन के अंडर देख सकती हूँ सिमिलरली फिलोसफी के ऊपर कौन से आए थे साइकोलॉजी के ऊपर कौन से आए थे हिस्ट्री के ऊपर कौन से आए थे इस तरह से वो सेग्रीगेशन डन है सो so, इस बुक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको पास्ट ईयर पेपर से चेक करके खुद इस तरह से टॉपिक्स को डिवाइड करके प्रिपेयर करना

लेकिन जब आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे ना विद द रीडिंग आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन रीडिंग करो यानी कि किसी डेस्कटॉप या फिर के किसी लैपटॉप पे कारण कि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन मोड में ही होता है तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे आप कुछ मार्क भी नहीं कि अलग अलग तरह के पैसेजेस हम कौन सी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने काफी रिसोर्सेज रिकमेंड किए हर एक डिफरेंट टॉपिक के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप या तो वो वीडियो देख लो या मैं डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट्स के

आप पैसेज को जल्दी कैसे पढ़ सकते हो दैट दैट शुड बी योर नेक्स्ट गोल सच आप पांच मिनट के के अंदर अंदर उस 500 वर्ड पैसेज को पढ़ पाओ इसके लिए मैं आपको दो टेक्निक्स बताऊंगी पहली टेक्निक को बोलते हैं स्किमिंग स्किमिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी भी पैसेज को पढ़ते हो उसमें हर वर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपकी स्क्रीन पे कुछ लाइन लिखी है आप इसको पॉज करके इन लाइन को पढ़ो अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं की है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पॉज करो और इसको जरूर करो और अगर आप ये एक्सरसाइज कर चुके हो तो अब मैं इन्हीं लाइंस में से कुछ वर्ड्स को हटाने वाली हूँ एंड आई वुड रिकमेंड कि आप पॉज करो और दोबारा से इन लाइंस को पढ़ो अब जिन लोगों ने तो ये एक्सरसाइज सीरियसली की है they would have कि कुछ वर्ड्स हटाने के बावजूद उन्हें उन्हें उन लाइंस का वही मतलब समझ समझ में में आया जो फर्स्ट टाइम पे लिए आप जनरली प्रॉपर नाउन्स वर्ब्स और एडजेक्टिव को पढ़ते हो दैट इज हाउ यू आर एबल टू सेव योर टाइम दूसरी टेक्निक को बोलते हैं पैराफ्रेजिंग इसका मतलब यह है कि आप पूरे पैसेज को एक साथ मत पढ़ो एक पैसेज जो है वो फाइव टू तो सिक्स छोटे छोटे पैराग्राफ्स का सबमिशन होता है और कोई भी ऑथर किसी भी पैसेज को लिखते समय एक रूल को हमेशा फॉलो करता है कि एक पैराग्राफ में वो एक ही आइडिया की बात करता है पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी पैसेज को पढ़ रहे हो क्या आप हर सिंगल पैराग्राफ को

को पढ़ने के लिए और हमारे पास बचे पांच मिनट जिसमें हमें चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर पैसेज में चार क्वेश्चन थे राइट सो so, आपके पास चार क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन में चार ऑप्शन हैं आप पांच मिनट में वो काम कैसे कर पाओगे जब आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी अब ये एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होती है बाय वर्किंग ऑन योर थर्ड गोल विच इज गेटिंग बेटर एट इलिमिनेटिंग दी ऑप्शन अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करना चाहते हो वॉट यू नीड टू लर्न इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन हर क्वेश्चन में चार ऑप्शंस हैं, एक सही है तीन गलत हैं। उन तीन को आप क्यों इलिमिनेट कर रहे हो उसका रीजन आपका जितना सॉलिड होगा जितना क्लियर होगा आपके दिमाग में उतना जल्दी आप सही ऑप्शन को मार्क कर पाओगे अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी नजर में गोल्ड माइन है जिसको यूज करके आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन से तीन ऑप्शन गलत है ये चीज मैंने कहां से सीखी है ये मैंने सीखी है शबाना मैम से मैं पूरा क्रेडिट उनको दे रही हूँ फॉर द नेक्स्ट सेक्शन जो आगे मैं बताने जा रही हूँ उन्होंने अपनी एक वीडियो में जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी ताकि अगर आपको डिटेल्ड वर्जन देखना हो तो आप उसको चेकआउट करो उन्होंने चौदह ऐसे तरीके बताए थे जिससे किसी भी ऑप्शन को गलत बनाया जा सकता है अगर आप पेपर सेटर का जो पर्सन कैट का पेपर बना रहा है उसका माइंड समझ जाते हो कि वो गलत ऑप्शन को गलत कैसे बनाता है देन यू विल बी एबल

सबसे पहला कॉल्ड वर्ड प्ले अगर एक ऑप्शन कहता है कि कैट एक्सपीरियंस आर लर्निंग टेक्निक्स टू स्कोर ग्रेटर देन 99 परसेंटाइल इन वीआरसी सेक्शन तो इसको बोलते हैं वर्ड प्ले मैंने वेल well को रिप्लेस कर दिया बाय ग्रेटर देन 99 नॉर्मल इट सीम सेम थिंग बट पैसेज में कहीं नहीं कहा है कि वेल well का मतलब है 99. दूसरा तरीका है एक्सट्रीम ऑप्शंस अगर मान लो ऑप्शन कहता कि तो क्या वेल well का मतलब हाईएस्ट होता है मैं उसे एक एक्सट्रीम पे ले गई टू मेक दैट ऑप्शन इनकरेक्ट तीसरा है अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप मान लो कि कैट पर एबल टू लर्न टेक्निक्स

फर्स्ट पार्ट ऑफ़ ऑप्शन सही होता है लेकिन सेकंड पार्ट गलत होता है जिसके कारण ऑप्शन स्टैंड रॉन्ग सो ऑलवेज चेक बोथ साइड टेंथ इज नो एक्सटर्नल नॉलेज मान लो एक ऑप्शन आया दैट सेड कैट आर लर्निंग टेक्निक्स टू स्कोर वेल इन दी आर सी सेक्शन विच इज फर्स्ट सेक्शन ऑफ कैट एग्जाम

तो मैंने इतना उसको अर्जेंट और इतना ज्यादा टोन को चेंज कर दिया उस लाइन की कि कि इसका मतलब कि as it is option आपको दे दिया, लेकिन वो फिर भी गलत है अगर मान लो ऑप्शन यही कहता कि कैट टू स्कोर वेल इन दैट एग्जाम उस केस में भी ऑप्शन गलत हो सकता है अगर वो क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करता अगर मान लो क्वेश्चन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन टेल्स अस that कैट इज अ वेरी टफ एग्जाम तो क्या ये ऑप्शन उसके लिए सही होता जस्ट बिकॉज आप वी आर सी की टेक्निक वी आर सी टफ सेक्शन है नो हेंस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग The फाइनल वन इज quantity एंड क्वालिटी अगर ऑप्शन कहता कैट learning आर लर्निंग अमेजिंग टेक्निक्स टू स्कोर वेल इन exam, एग्जाम देन the option was रॉन्ग अमेजिंग टेक्निक्स

अनटाइम्ड मैनर में जितना मर्जी टाइम लो सोचो कि वो ऑप्शन इन फोर्टीन वेज में से क्यों गलत है जब तक आपको नहीं समझ में आता कि वो क्यों गलत है डोंट मार्क दैट ऑप्शन रॉन्ग यू हैव टू इलिमिनेट द थ्री ऑप्शन यूजिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज फोर्टीन मेथड्स एवरी टाइम यू इलिमिनेटेड राइट डाउन बॉय जितना आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे इन एन अन मैनर उतना आपका थर्ड गोल इंप्रूव होगा विच इज कॉम्प्रीहेंडिंग दम बेटर एंड इंप्रूविंग योर एक्यूरेसी इन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो अगर आप डी आई एल आर सेक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेट्स प्रैक्टिस करना चाहते हो आई वुड पुट अ वीडियो हेयर चेक इट आउट उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन की एक रिपोजिटरी है दैट इट शोर्डली हेल्प यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज